तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें सिंगल स्पीकर दिए गए हैं, सिंगल स्पीकर, स्टीरियो भी नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो काफी तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स के बीच में, जो कि है OnePlus Note 2 CE वर्सेस Oppo Reno 7 स्मार्टफोन, और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल यहां पर कौन सा फोन ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहां पर बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स में हमें 6.43 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले वाइज दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर काफी जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में 409 PPI की है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में 84.9% भी देखने को मिल जाते हैं। एस्पेक्ट रेशियो भी दोस्तों दोनों फोन्स में सेम है, 20:9। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में गोरिल्ला ग्लास 5 की दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के OS और UI की। तो आपको बता दूं कि यहां पर OnePlus का फोन Android 11 के साथ में आता है, जो कि Oxygen OS 11 पर बेस्ड है, और वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन Android 11 के साथ में आता है, जो कि Color OS 12 पर बेस्ड है। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर Dimensity 900 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आपको बता दूं कि दोस्तों चिपसेट बहुत ही बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। AnTuTu स्कोर की बात की जाए तो दोस्तों OnePlus का आता है 4,80,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Oppo के फोन का आता है 4,76,000 के करीब। यानी कि AnTuTu स्कोर भी दोनों ही फोन का काफी ज्यादा जबरदस्त है। स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों UFS 2.2 वाली स्टोरेज आपको दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाती है, साथ ही दोनों ही फोन यहां पर LPDDR4X RAM के साथ में आते हैं। कैमरा सेटअप की बात करें तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर दोनों स्मार्टफोन्स का मेन कैमरा है 64 MP का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 MP का, जो मैक्रो कैमरा है वो है 2 MP का। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों आप दोनों स्मार्टफोन से 4K तक कर सकते हैं, साथ ही दोनों ही फोन यहां पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं, और स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर EIS टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों OnePlus के अंदर हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि अगर आप एक सेल्फी लवर हैं तो आप Oppo की तरफ जरूर से जा सकते हैं। बैटरी की बात करें तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 4500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 65W की फास्ट चार्जिंग दोनों स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं। वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन दोस्तों हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर दोनों फोन्स NFC को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही 3.5mm का हेडफोन जैक भी हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों दोनों ही फोन्स यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, और वहीं अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें सिंगल स्पीकर दिए गए हैं, सिंगल स्पीकर्स, स्टीरियो भी नहीं। खैर दोस्तों अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट में बात करते हैं दोस्तों हम दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि OnePlus के 6 प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत है 23,999 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Oppo के 8 प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत है 28,999 रुपए। भाई दोस्तों पसंद आपकी है कि आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों ऐसे फोन के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।